साइबर ठगों ने ठगी करने का नया तरीका निकाला है। जब से बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है तभी से साइबर ठग लोगों को फोन कर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाने का झांसा दे रहे हैं। आपको बता दें कि ठगी करने वाले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं और ओटीपी शेयर करते ही लोगों के खाते से पैसे निकल जाते हैं। वहीं इसी कड़ी में बीबीएन भी पीछे नहीं रहा है। साइबर ठग करने वाले बीबीएन में भी लोगों को फोन कर बूस्टर डोज लगवाने के लिए पंजीकरण करवाने के लिए कह रहे हैं। यह लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं कि केंद्र के निर्देशानुसार आप लोग हमारे पास पंजीकरण करवाएं, इससे आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और आप सीधे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में बूस्टर डोज लगा सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल नालागढ़ के कार्यवाहक बीएमओ डॉक्टर दीक्षित ने बीबीएन की जनता से कहा कि अस्पताल की ओर से किसी भी तरह का कोई कॉल नहीं किया जाता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की कॉल से सभी सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार की कॉल व ईमेल जनता को नहीं की जाती है और न ही ओटीपी मांगा जाता है, तो कृपया किसी प्रकार के झांसे में न आए। बात तो जो साइबर क्राइम हो रहा है वो तो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो तत्व हैं वही कर रहे होंगे। जो सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अगर आपके पास मैसेज आता है कि आपका बूस्टर डोज लगना है तो ही उस चीज पे आप रिएक्ट करें, और उसके लिए आप हमारे सरकारी अस्पताल में आए। हमारे सरकारी अस्पताल में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसीजर के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको डोज लगा दी जाती है। अगर आप खुद करा रहे हैं तो उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके झांसे में आप लोग आ सकते हैं। बेहतर है कि सरकारी अस्पताल के अंदर जाएं और यहीं पे आकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन करें और यहीं पे जो है अपना बूस्टर डोज भी बर्तन हमारे अस्पताल की तरफ से नहीं आते। वो तो ऑलरेडी जिनका कंप्यूटराइज फीडिंग जो सब कुछ हो चुका है, जिनकी लग चुकी है डोजेज, दो डोजेज लग चुकी है, जैसे प्रोटोकॉल बोल रहा है कि 60 ईयर से अबव है और जिनको 9 मंथ का गैप है उनके बीच में, तो उनको जो है लग सकता है बूस्टर डोज। तो वो मैसेज मेरे ख्याल से कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, तो वो लोग खुद भी देख सकते हैं, है ना। जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका तो लग ही रहा, वो हमारे पास ही है, वो सब आके करा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने अपना लगवाया तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था, बट मुझे पता था कि मैं फ्रंटलाइन वर्कर हूँ और मुझे जो अपना बूस्टर डोज लगवाना है, तो मैंने खुद आ करके इधर पर संपर्क किया था और अपना बूस्टर डोज लगवाया। तो अगर जो एलिजिबल है वो आकर के जरूर इधर सरकारी अस्पताल में संपर्क करें, मैं तो इससे बचाव के लिए यही बोल सकता हूँ, है ना। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।